जय हिंद दोस्त, कैसे आप सब। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ है, हर साल इस महा फेस्टिवल पे यानी दशहरा और दीपावली पे अपने मऊ जंक्शन को हर साल एक न एक न्यू ट्रेन की सौगात मिली रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग इन ईयर 2021 में कि 2021 में मऊ रेलवे स्टेशन को कौन सी न्यू ट्रेन की सौगात मिली है, यानी इस साल जो दशहरा और दीपावली आ रहा है, इस समय अपने मऊ रेलवे स्टेशन को कौन सी न्यू ट्रेन मिली है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हटिया से चलकर गोरखपुर के लिए, मऊ के रास्ते गोरखपुर को जाने के लिए एक एसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस को इंडियन रेलवे ने 8 अक्टूबर को लॉन्च किया है। एक एसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो अपने मऊ रेलवे स्टेशन पे 1:35 पे इसका स्टॉपेज रखा गया है। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि 2020 में आप लोगों को मऊ रेलवे स्टेशन को कौन सी न्यू ट्रेन देखने को मिली थी। तो दोस्तों 2020 में मऊ रेलवे स्टेशन को दो न्यू ट्रेन मिली थी। पहला जो न्यू ट्रेन मिली थी वो ट्रेन नंबर 02166 यानी रत्नागिरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि उनकी गोरखपुर से चलकर LTT के लिए उसे मिला था। और बात कर लेते हैं एक और न्यू ट्रेन की, जो कि एसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन थी, वो गोरखपुर से चलकर और उसे LTT के लिए मिली थी। और बात कर लेते हैं इस साल यानी 2021 में, तो 2021 में हम लोग को हटिया से चलकर और गोरखपुर के बीच एसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं था फिलहाल अभी प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर और अभी हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर। और आपको जो ये हटिया से चलकर गोरखपुर के बीच जो एसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन मिली है, ये आप लोगों को मैं अराइवल और डिपार्चर पूरा दिखाऊंगा। बस आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और बात कर लेते हैं हम लोग इस आज मऊ की ऐतिहासिक दिन को लेकर, यानी हटिया से चलकर गोरखपुर के एसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, उसका ट्रेन नंबर है 08187, जो कि हफ्ते में इसे एक दिन रखा गया है इस ट्रेन को। जो कि इसका स्टॉपेज की बात की जाए तो ये हटिया से चलकर बरकाना, बबुआ रोड, डाल्टनगंज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और वाराणसी पे इसका ट्रेन की लोकोमोटिव को रिवर्स किया जाता है, यानी आगे से हटाकर पीछे लगाया जाता है। फिर ये ट्रेन अपने आगे की रूट को तय करती है, यानी मऊ और बेलथरा रुकती है और फिर भटनी और देवरिया के रास्ते ये शाम को 7 बजे गोरखपुर पहुँचती है। और इसका हटिया से खुलने का समय है रात को 11:45 पे। और मैं इस न्यू ट्रेन का ही, मैं कल रात को ही मैंने इसका सीट अवेलेबिलिटी देखा तो हर जगह से पूरा नॉट अवेलेबल दिखा रहा था, यानी जितनी सीटें थी सबका सब फुल हो चुकी थी, नॉट अवेलेबल दिखा रहा था। तो हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर और हम लोग की जो ट्रेन है यानी हटिया गोरखपुर एसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो आज हम लोग उसका अराइवल और डिपार्चर देखने वाले हैं, वो ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे लगाई जाएगी। और दोस्तों इनॉग्रेशन के दिन ही हटिया गोरखपुर एसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को वाराणसी रेलवे स्टेशन पे लगातार बैक टू बैक 2 ओवरटेक मिल गए। एक पहला जो ओवरटेक था वो था गोरखपुर अहमदाबाद सुपर फास्ट एक्सप्रेस का, और जो दूसरा जो ओवरटेक था भाई मोस्ट लेजेंडरी ट्रेन काशी एक्सप्रेस का था। और दोस्तों हटिया गोरखपुर एक्सप्रेस की बात की जाए तो वो हटिया गोरखपुर एक्सप्रेस अपनी एक ओवरटेक का बदला वाराणसी सिटी पे निकाल ली है, जो कि वाराणसी सिटी पे ये ट्रेन काशी दादर एक्सप्रेस को ओवरटेक करके आगे आ रही है। यानी इस स्लॉट पे चल रही कि पहले मऊ रेलवे स्टेशन पे अहमदाबाद सुपरफास्ट पहुँचेगा, फिर दूसरे स्लॉट पे अपनी हटिया गोरखपुर एसी सुपरफास्ट पहुँचेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग उसके ट्रेन के अराइवल में। तो दोस्तों आप बता सकते हैं ये कौन सी ट्रेन है, हटिया गोरखपुर एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है या फिर गोरखपुर अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। अगर आप मेरा ब्लॉग एंड टू एंड सुने होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा ये कौन सी ट्रेन है। तो जी हाँ दोस्तों, यही ट्रेन एक इनॉग्रेशन ट्रेन को ताबड़तोड़ वाराणसी कैंट स्टेशन पे ओवरटेक की है, जो कि इसका ट्रेन का नाम है अहमदाबाद गोरखपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। तो दोस्तों यही ट्रेन हटिया गोरखपुर एसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को वाराणसी कैंट पे ओवरटेक करके निकल गई है और ये ट्रेन अब गोरखपुर पहले पहुंचेगी। तो चलिए आप लोग इस ट्रेन का अराइवल डिपार्चर बहुत देखे होंगे और इसका जर्नी भी आप बहुत देखे होंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं सीधा अपनी ट्रेन इनॉग्रेशन ट्रेन वाली यानी एसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में।
के डिपार्चर और अराइवल में मिलते हैं। के साथ जो हम लोग की गोरखपुर हटिया सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन थी वो डिपार्ट कर रही है अब यहाँ से, और इसका आप बोर्ड सामने देख सकते हैं। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब ये भी जो ट्रेन है अब मऊ से हटिया जाने के लिए अब लोगों को आरामदायक मिल गया, क्योंकि पहले मऊ से ट्रेन हटिया जाने के लिए नहीं था, यानी रांची जाने के लिए नहीं था। और आप साफ साफ देख सकते हैं इसमें B1 से लगाकर
जी हाँ, इसमें एक पेंट्री कार भी लगा है, लेकिन आपको इसमें पेंट्री कार की आपको सुविधा नहीं मिलेगी। इस ट्रेन में पेंट्री कार अभी फिलहाल बंद चल रहा है, और थोड़े थोड़े वीवीआईपी कोच से लोग देखने को मिल रहा है इस ट्रेन में। और देखते हैं उसका कब उसका इनॉग्रेशन हो रहा है। चलिए फिलहाल हम लोग मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।